सीएम के सिया ने कहा, मुलुगु जिले में बंजर भूमि की समस्या का समाधान हो गया है। चुनाव प्रचार के तहत सीएम के सिया पूरे तेलंगाना में बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं। उसी के एक भाग के रूप में उन्होंने मुलुगु में आयोजित प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। सीएम के सिया ने कहा, उन्हें मुलुगु को जिला बनाने का अपना वादा निभाना चाहिए। जब तेलंगाना आया तो जिले को मेडिकल कॉलेज मिला। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस शासन के दौरान पानी, बिजली और बंजर भूमि की समस्या का समाधान हुआ। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, अगर जिले में बीआरएस पार्टी जीतती है तो वह जिले की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम केसीआर ने कांग्रेस की बातें सुने बिना मुलुगु जिले के विकास के लिए बीआरएस पार्टी को जिताने को कहा। अमित शाह ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के बंडलागुड़ा जागीर नगर पालिका अंतर्गत हैदरशाहकोट गाँव में रोड शो किया। उन्होंने राजेंद्र नगर के बीजेपी उम्मीदवार तोक्कला श्रीनिवास रेड्डी के समर्थन में रोड शो में हिस्सा लिया। अमित शाह ने आरोप लगाया, बीआरएस पार्टी और एमआईएम पार्टी अलग नहीं है, कार की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। राजेंद्र नगर के भाजपा उम्मीदवार तोक्कला श्रीनिवास रेड्डी को बहुमत से जीतना जरूरी है। राजेंद्र नगर में असामाजिक तत्व विकास के लिए बाधा बन गया है और जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो हटा दिया जाएगा। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रत्याशी का और भारतीय जनता पार्टी के श्री रेड्डी जी का आपने बहुत मन से स्वागत किया है। मैं मन से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाला चुनाव केसीआर का सरकार पूरे भारत में सबसे करप्ट सरकार अगर कोई एक है तो केसीआर का है। मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम जिन्होंने करप्शन किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल। उपर विधानसभा क्षेत्र यादव संगम ने आईडीए नाचाराम के स्वागत समारोह हॉल में आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीआरएस पार्टी के विधायक उम्मीदवार बंडरी लक्ष्मा रेड्डी, नगर सेवक बंतु श्रीदेवी यादव, शांति साई जैन शेखर और अन्य शामिल हुए। उपल विधायक उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी ने पूछा, वह कार चुनाव चिन्ह के लिए वोट करके यादव समुदाय के कल्याण के लिए काम करेंगे ताकि वह सभी के लिए सुलभ हो सके। यादव समुदाय के नेताओं ने कहा, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके गोला व कुरुमाओं के हाथ में भेंडे वितरित करना बहुत बड़ी बात है। यादव समुदाय के नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 30 नवम्बर को होने वाले चुनाव में बीआरएस पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। एलबी नगर महेश्वरम के एक स्वतंत्र उम्मीदवार एसआरई सूर्य प्रकाश ने कहा, वह निर्वाचन क्षेत्र को विकास के प्रवेश द्वार के रूप में आकार देंगे। भारत के पास दुनिया में कहीं और की तुलना में अधिक संसाधन और शक्तिशाली प्रणाली है। उन्होंने कहा, वह इस बात पर गहनता से विचार कर रहे हैं, देश का विकास कैसे किया जाए। भारत में एक सशस्त्र व्यवस्था है, देश का विकास कैसे हो, इस पर उन्होंने गहराई से विचार किया है। उन्होंने खुलासा किया, अगर वह जीतते हैं तो विकास के साथ निर्वाचन क्षेत्रों को आकर देंगे। उन्होंने चिंता जताई, तमाम संसाधनों और तकनीक के बावजूद भारत विकास नहीं कर पा रहा है। वे महेश्वरम से डोरी प्रतीक की और एलबी नगर से क्रेन प्रतीक के साथ घेरे में खड़े हैं। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार, अन्याय और अनियमितताओं का गान गाने के लिए उन्हें जिताने की अपील की। जैसे जैसे मतदान की समय सीमा नजदीक आ रही है, कुछ राजनीतिक दल अपना प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं। बीआरएस, कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के उम्मीदवार घर घर अभियान और नुक्कड़ सभाओं पर ध्यान केंद्रित करके मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की लामबंदी मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि प्रमुख दलों के उम्मीदवार प्रतिस्पर्धी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख दलों की प्रचार सभाएं चल रही है। वेतनभोगी कार्यकर्ता भी अहम होते जा रहे हैं। संबंधित पार्टियों के पोलिंग बूथ अध्यक्षों और वार्ड अध्यक्षों जिन्होंने लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी उठाई है को 200-300 रुपये देकर और उन्हें पार्टी स्कार्फ और टोपी देकर प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख दलों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की जाती है और प्रति व्यक्ति 200-300 रुपये का भुगतान करके लोगों को लाया जाता है। बीआरएस मंत्री केटिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत किया है, आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से और भी डीप फेक वीडियो आने वाले हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मतदाता इस जाल में न फंसे। उन्होंने ट्वीट कर इस हद तक कार्यकर्ताओं को सचेत किया है कि उन्होंने चेतावनी दी, आने वाले दिनों में कांग्रेस का निरर्थक प्रचार बढ़ेगा। कांग्रेस ने फोन कॉल का ऑडियो साझा किया है जिसमें कहा गया है, केटिया ने सिरसिला में पार्टी कार्यकर्ताओं को अभियान को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऑडियो में कहा गया है, केटिया ने कहा, नेताओं के लिए पार्टी के बहुमत में कमी के बारे में बात करना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे में केटिया का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है।
जैसे जैसे चुनाव की सीमा समय नजदीक आएगी, बीजेपी अपने प्रचार अभियान में तेजी लाएगी। प्रचार के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रीय नेताओं के आगमन के साथ ही प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। बीजेपी केंद्र और राज्य नेताओं के साथ अभियान को अगले स्तर पर ले जाएगी। इसे सार्वजनिक बैठकों और रोड शो के साथ संपन्न किया जाएगा। जैसे जैसे तेलंगाना चुनाव नजदीक आ रहे, पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे व चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना चुनाव प्रचार की समय सीमा करीब आने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। पहले भी कई बार तेलंगाना का दौरा कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले चुके प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। तेलंगाना बीजेपी नेता इसके लिए सभी इंतजाम कर रहे हैं। इसी महीने के 25 तारीख को मोदी ने कामारेड्डी और रंगारेड्डी जिलों में अभियान में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी 26 तारीख को दुबक्का और निर्मल में जनसभा में हिस्सा लेंगे। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक कन्या शांतिवनम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहाँ से वे दोपहर 2 बजे सीधे दुबक्का जाएंगे। 2:15 से 2:45 तक मोदी तुपरान में आयोजित जनसभा में रहेंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा, अगर बीआरएस उम्मीदवार चिंता प्रभाकर रेड्डी संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं तो वह संगारेड्डी में मेट्रो ट्रेन लाएंगे। अनुपलब्ध नेता को जीताना फायदेमंद नहीं होगा। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार गौड़ के नेतृत्व में संगारेड्डी जिला केंद्र में अल्पसंख्यक आध्यात्मिक मंडलियों का गठन किया गया। इस मौके पर गौड़ आत्मीय सम्मेलन में हरीश राव ने कहा, राज्य में गौड़ जाति के लोगों का 20 करोड़ का वृक्ष कर माफ कर दिया गया है। केसीआर को एक बार में 10 साल के लिए लाइसेंस नवीनीकृत करने का सम्मान मिला है। सिद्धिपेट की तरह संगारेड्डी में भी गौड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य कल्लू गीता निगम के अध्यक्ष पल्ले रवि, गौड़ संगम के राज्य अध्यक्ष पल्ले लक्ष्मण, पूर्व जेपीटीसी मनोहर गौड़, नागराज गौड़, साई कुमार गौड़, प्रभु गौड़, कृष्णा गौड़, आशना गौड़ और अन्य ने भाग लिया। अभिनेता प्रकाश राज को प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने नोटिस भेजा है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रणव ज्वेलर्स को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तलब किया है। ज्वेलर्स ने प्रकाश राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईडी ने 20 नवंबर को प्रणव ज्वेलर्स की तलाशी ली थी। ईडी ने मामला दर्ज किया है। इस कंपनी ने रुपए वसूले है। इसमें दावा किया गया प्रणव ज्वेलर्स ग्राहकों को पैसा लौटाने में विफल रहा। ईडी ने कहा, जनता के पैसे को गैर कानूनी तरीके से डाइवर्ट किया गया और सोना खरीदा गया। ईडी कुछ नकद भुगतान को लेकर प्रकाश राज से पूछताछ करेगी। उन्हें अगले हफ्ते चेन्नई स्थित ईडी दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा, उप्पल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत तय है। स्थानीय लोग भी बीजेपी नेता को जिताना चाहते हैं और उन्हें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं, एनवीएसएस प्रभाकर द्वारा पूर्व में किए गए विकास के अलावा बीआरएस ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। उनका कहना है, एनवीएसएस प्रभाकर के दोबारा जीतने से ही क्षेत्र का विकास होगा। बीआरएस चुनाव प्रचार में आक्रामकता दिखा रही है। मुख्यमंत्री केसीआर, मंत्री केटीआर और हरीश राव राज्य भर में व्यापक दौरे कर रहे हैं। सीएम केसीआर हर दिन 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं। पिछले 9.5 साल में सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को समझाने के साथ ही बीआरएस घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। चूंकि मतदान का समय अब कुछ ही दिन दूर है, पार्टी कार्यकर्ता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार के लिए दौड़ रहे हैं। इसके तहत 1 सप्ताह पहले ही कार्यक्रम तय कर लिया गया है। बीआरएस पार्टी आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में खुली बैठक करेगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 5 दिन शेष रहते हुए बीआरएस ने परेड ग्राउंड में एक विशाल सार्वजनिक बैठक की तैयारी पूरी कर ली है। कल से शहर में बारिश हो रही है और शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है, अभी 3 दिन तक बारिश होगी। इसके चलते कल परेड ग्राउंड में होने वाली बीआरएस बैठक रद्द कर दी गई। जैसे बारिश चुनाव प्रचार में बाधा बनी, पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ प्रचार के लिए चंद दिनों का समय है तो दूसरी तरफ बारिश के कारण अभियान में बाधा आ गई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय रेड्डी खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र के वेंकटेश्वर नगर डिवीजन में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई 6 गारंटियों के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा, खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के महंगे इलाकों में मध्यम वर्ग के लोगों को भी यहां पहचानने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने स्थानीय विधायक की आलोचना की है। वो खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है, कोई भी वर्तमान नेताओं पर विश्वास करता है। लोग तेलंगाना राज्य के साथ साथ खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र के विकास और कल्याण को देख रहे हैं। विजया रेड्डी ने लोगों से 30 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के लिए जन कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रोज ने कहा, चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। हैदराबाद के बंजार हिल्स में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में चुनाव अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव के संचालन की समीक्षा की।
हैदराबाद के सीपी संदीप शांडिले ने कहा, समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। 391 रूट मोबाइल, 129 गश्ती वाहन, 220 ब्लू कोल्ट और अतिरिक्त 122 वाहनों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक रूट मोबाइल वाहन में 3 सशस्त्र बल और 1 कांस्टेबल है और यदि कोई समस्या हो तो डायल 100 पर सूचना दें। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। वे बिना किसी हेर फेर के पूरी तरह से केंद्रित थे। चुनाव उड़ान दस्ते के अधिकारियों ने मेडचे जिले के बोर्ड उपल में बीआरएस अध्यक्ष मंदा सजू रेड्डी के घर पर तलाशी ली। चुनाव के मद्देनजर चुनावी उड़ान दस्ते ने अपनी तलाशी तेज कर दी। अधिकारियों ने मेडचे जिले के बोर्ड उपल नगर निगम बीआरएस के अध्यक्ष मंदा संजीव रेड्डी के घर पर तलाशी ली। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने बोर्ड उपल के पेंटा रेड्डी कॉलोनी में मंदा संजीव रेड्डी के आवास पर निरीक्षण किया। आरपीएसएफ पुलिस भारी मात्रा में तैनात की गई और तलाशी ली गई। सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस विधायक उम्मीदवार लासा नंदिता को सभी क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है। कई संगठन सायना की बेटी का समर्थन करने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। हाल ही में टीएमआरपीएस ने लासा नंदिता को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही सांप्रदायिक भाजपा को हराने का आह्वान किया। टीएमआरपीएस के संस्थापक अध्यक्ष ईटिक राजू मादिगा ने कहा, दिवंगत विधायक साइना बेदाग नेता थे। बीआरएस विधायक उम्मीदवार लासा नंदिता भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी। सीएम केसीआर हर तरफ से दलितों के साथ खड़े हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की सराहना की। उन्होंने याद दिलाया, कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ दलित बंधु जैसी महान योजनाएं भी लाई गई थी, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है सभी मादिगा और उपजातियों बीआरएस के साथ होंगी। उन्होंने कांग्रेस जो सांप्रदायिक पार्टी और भाजपा जिसने दशकों तक दलितों की उपेक्षा की है को होश में आने का आह्वान किया। तेलंगाना में मौसम अचानक ठंडा हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है यह बारिश राज्य की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशाओं से आगे आने वाली तेज हवाओं के प्रभाव से हुए बदलाव के कारण हो रही है। अगले 2 दिनों तक पूरे राज्य में मौसम इसी तरह का रहेगा। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है, इससे सर्दी भी बढ़ गई है। तेलंगाना राज्य में तापमान गिरा है, न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे। राज्य में तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। रामागुंडम में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मेदक में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नलगोंडा में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। लगभग सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।